हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इटरनिटी। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड फील्ड। तो इसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक देखते हैं। तो इसमें पहला जो आपका मटेरियल आ जाएगा वो है आपका कंडक्टर। कंडक्टर तो कंडक्टर क्या होता है? अ सच टाइप ऑफ मटेरियल विच अलाउज द चार्जेस टू मूव। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ये कोई मटेरियल है। तो मटेरियल जैसे कि इसमें से इधर से अगर हम लोग तार जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन है, ये जो चार्ज है ये अलाउ करता है अपने से पार होने के लिए, मतलब अपने अंदर से दूसरे साइड भेजने में जो हेल्प करता है उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो इसका एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, घर में जो बिजली का तार है जो मैक्सिमम तांबे या एल्यूमिनियम का होता है, यानी कोई भी मेटल जो होता है वो आपका कंडक्टर होता। तो इसका डेफिनेशन फिर हम लोग लिखते हैं, सच टाइप ऑफ मटेरियल, सच टाइप ऑफ मटेरियल विच अलाउज द चार्जेस टू मूव इज कॉल्ड कंडक्टर। इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट, ह्यूमन बॉडी, इड्स। ह्यूमन बॉडी इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग के अंदर से भी इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक यानी करंट जो है वो हम लोग के थ्रू भी पास हो सकता है। हमारा बॉडी भी इलेक्ट्रिक करंट को एक साइड से दूसरे साइड ले जाने में हेल्प कर सकता है। मतलब कंडक्टर जो है, जितने भी सुचालक, कंडक्टर का बेसिक मीनिंग होता है सुचालक, मतलब ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस जो अपने अंदर से बिजली को आर पार होने देता है, मतलब कि बिजली को इस साइड से, मतलब बिजली को ट्रेवल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर का बेसिक मीनिंग होता है कुचालक, मतलब ऐसा पदार्थ या मटेरियल या सब्सटेंस जो भी जो अपने अंदर से बिजली को होकर पार नहीं होने देता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया लकड़ी, प्लास्टिक, जैसे ये दीवार, ये सब जो चीज़ें हैं वो अपने आप, मतलब कि बिजली को एक पार से दूसरे पार होने में हेल्प नहीं करते, मतलब कि ये जो है वो बिजली का कुचालक है। तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन हो जाएगा इंसुलेटर का, अ सच टाइप ऑफ मटेरियल विच डज नॉट अलाउज द चार्जेस टू मूव। जैसे कि ये कोई मटेरियल हो गया, अगर हम इधर तार जोड़ते हैं, इधर भी तार है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देगा, पार नहीं होने देगा, ये रोक देगा यही जगह। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा प्लास्टिक, रबर, वुड। वुड मीन्स लकड़ी। तो नेक्स्ट है हमारा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कभी कभी चार्ज को अपने अंदर से फ्लो होने देता है और कभी कभी चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है। तो जनरली ऐसा होता है कि जो कम टेम्परेचर होता है, जैसे कि लो टेम्परेचर में जो सेमी कंडक्टर वो इंसुलेटर का काम करता है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका फ्लो को ये रेसिस्ट करता है, रोकता है। और जब हाई टेम्परेचर या रूम का जो भी टेम्परेचर होता है
उस टेम्परेचर पे ये कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। सच टाइप ऑफ मटेरियल विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट चार्ज, फ्लो ऑफ करंट और चार्ज एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड बिहेव लाइक इंसुलेटर एंड एट हाई टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर और एट रूम टेम्परेचर इट बिहेव लाइक कंडक्टर। मतलब कि रूम के टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे ये कंडक्टर का जैसा बिहेव करेगा, यानी कि अपने अंदर से बिजली या करंट को फ्लो होने देगा, और बाकी टाइम जैसे लो टेम्परेचर रहेगा उस टाइम ये इलेक्ट्रिसिटी या करंट या चार्ज को ये फ्लो को उसको रोकेगा। फिर इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में आपका हो जाएगा फिर नेक्स्ट है हमारा जो मटेरियल होगा वो है सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर ऐसा होता है जो किसी भी सिचुएशन में ना आप इलेक्ट्रिक फ्लो को बहुत ज़्यादा विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्लो होने देता है। जैसे कोई भी कंडक्टर होता है उसमें हल्का थोड़ा ना थोड़ा रेजिस्टेंस होता ही है, और इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब फ्लो को रोकता है, मगर कंडक्टर में उसके कंपेयर में बहुत कम आपका रेजिस्टेंस होता है और वो इलेक्ट्रिक करंट को इजिली फ्लो होने देता है। मगर जो सुपर कंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता, मतलब वो जितना इलेक्ट्रिसिटी इस पार से उस पार जितना रहेगा वो सारा को फ्लो कर देगा। तो देखते हैं कि सुपर कंडक्टर क्या होता है। सुपर कंडक्टर डेफिनेशन है आपका, अ सच टाइप ऑफ मटेरियल विच हैज नो रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। मतलब आपका क्या हो गया, जो कोई भी सुपर कंडक्टर जो होगा वो आपका लो टेम्परेचर या किसी भी टेम्परेचर पे वो बहुत ही मतलब विदाउट एनी रेजिस्टेंस वो इलेक्ट्रिक को फ्लो होने देगा। और क्या बोलते हैं, और जो ये जो मटेरियल है उसका जो प्रॉपर्टी है उसे हम लोग सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि जो मटेरियल होते हैं वो कितने प्रकार के, मतलब चार्ज जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसके बेसिस पे जो मटेरियल है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा चार प्रकार का जैसा कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। इसके बाद फिर हमारा टॉपिक है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री मतलब, तो यहाँ पे देखते हैं फ्री मतलब क्या होता है। फ्री मतलब ऐसे तो होता है मुफ्त, और फ्री मतलब एक होता है जो किसी भी बंधन में नहीं है और मतलब आजाद है। और इलेक्ट्रॉन मतलब आप लोग सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन मीन्स अ चार्ज पार्टिकल विच कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब कि वैसा इलेक्ट्रॉन जो स्पेस यानी कि वातावरण में वो फ्री है, मतलब किसी भी चीज़ में बंधा हुआ नहीं है, वो से हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा नेगेटिव
नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विच आर फ्री इन स्पेस इज नॉन एज विच आर फ्री प्रेजेंट इन स्पेस इज नॉन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक एग्जांपल से गाइस हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे ऐसे तो लड़कियाँ होती है नेगेटिव, पर एग्जांपल के लिए हम लोग समझते कि स्पेस में या वातावरण में कोई भी जगह पे जो लड़के होते हैं, मतलब यहाँ पे लड़के को एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव के तौर पे, जो लड़के होते हैं वो हमारे आसपास पूरा फ्री घूमते रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं होता उनके पास, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं। और देख सकते हैं हम लोग जो जो आसपास फ्री है वो, मतलब कोई काम धंधा नहीं होता, बस वो फ्री होते हैं और घूमते रहते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। तो जैसे कि अभी रूम टेम्परेचर कोई भी है, जैसे 37 डिग्री होता है रूम टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर पे या कोई रूम टेम्परेचर वो वेरीज होते रहता है हमेशा, तो रूम टेम्परेचर पे बहुत सारे एयर में जो है ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री मूवमेंट करते हुए रहते हैं। फिर इसके बाद गाइस एक नोट कर लेंगे, नोट है आपका इंसुलेटर गिव्स द डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको इंसुलेटर डायरेक्शन देता है। अब आप बोलेंगे कि इंसुलेटर कैसे डायरेक्शन देता है, क्या बोलते हैं एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी या जो चार्ज वो फ्लो करता है, तो फिर इंसुलेटर में कैसे? तो फिर यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ये कोई भी कंडक्टर है, मान के चलिए जैसे घर में तार होता है, तो वो क्या से कवर होता है? इंसुलेटर से कवर होता है वो, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक सही डायरेक्शन में जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा नोट है विदाउट कंडक्टर चार्ज कैन नॉट बी रन। सेकेंड नोट है आपका, ये दोनों नोट जो है आपका, इससे हमें क्या समझ आता है कि विदाउट कंडक्टर चार्ज कैन नॉट बी मूव, मतलब कि कोई कंडक्टर रहता है वो उसके थ्रू होकर के चार्ज जो है वो फ्लो करता है, और इंसुलेटर गिव्स द डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे कि कोई भी तार रहता है वो इंसुलेटर से कवर रहता है, जिसके कारण उसे डायरेक्शन मिलता है कि किधर साइड में जाना है, क्योंकि वो चारों तरफ से कवर किया हुआ रहता है। फिर इसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेकडाउन कंडीशन एन इंसुलेटर। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, ब्रेकडाउन कंडीशन ऑफ एन इंसुलेटर। ब्रेकडाउन होता क्या? इट इज अ फेनोमेना वेयर इलेक्ट्रॉन jumps through the insulator, मतलब कि ब्रेकडाउन जो है वो एक फिनोमिना है या कंडीशन है जहाँ पे जो इंसुलेटर है उसमें से ना इलेक्ट्रॉन जंप करना चालू कर देता है। जैसे कोई ये इंसुलेटर मान के चला, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों है, तो इसमें हम लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स देंगे, यानी कि एक्सटर्नल पावर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे या कुछ भी दे सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो जंप कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है इसे हम लोग ब्रेकडाउन कंडीशन बोलते हैं, इसमें इंसुलेटर से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू कर देता है। फिर इसी में आ जाएगा आपका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ,
डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो कंडीशन होता है जिसमें, जैसे कि अभी बताया ना कि ब्रेकडाउन कंडीशन, तो ब्रेकडाउन कंडीशन में लाने के लिए इंसुलेटर को हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ता है या एक्सटर्नल पावर देना पड़ता है, जिससे क्या होता है इसमें इतना एनर्जी आ जाता है फिर कि उसके बाद वो इंसुलेटर जो है वो कंडक्टर बन जाता है, और फिर चार्ज को फ्लो होने, चार्ज का फ्लो होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन उससे निकल के बाहर निकल रहा है, मतलब उसे उसके थ्रू पास हो रहा है। तो जब हम लोग कोई भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, जैसे कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ मतलब पावर, तो जब भी कोई भी इंसुलेटर में हम लोग पावर देते हैं और उसका ब्रेकडाउन कंडीशन हो जाता है, तो जितना अमाउंट जो हम लोग दिए, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर होगा ना, उसे ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा आपका, डाइलेक्ट्रिक इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल पावर बाय विच इंसुलेटर बिकम्स कंडक्टर। इट अचीव्स ब्रेकडाउन कंडीशन, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल पावर जो हम लोग अप्लाई करते हैं बाई विच इंसुलेटर बिकम्स कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इट अचीव्स ब्रेकडाउन कंडीशन, मतलब ये ब्रेकडाउन कंडीशन को अचीव करता है और उसके बाद उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लो होना शुरू होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लो होना शुरू होता है इसका मतलब क्या कि वो सब्सटेंस जो है, मटेरियल जो है, वो कंडक्टर बन चुका है। तो इस प्रकार हमने जाना कि ब्रेकडाउन कंडीशन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो इसमें एक नोट कर लेंगे, जैसे कि अगर कोई इंसुलेटर है, मान के चलिए कोई इंसुलेटर है, तो इसमें हम लोग एक्सटर्नल पावर दे रहे हैं, पहले दिए 5 एक्सटर्नल पावर, फिर उसके बाद फिर इसको, तब इसमें ब्रेकडाउन कंडीशन नहीं आया, पहले ये इंसुलेटर था, इसमें 5 एक्सटर्नल पावर दिए तब भी ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, फिर 10 दिए तो अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और एक मटेरियल ऐसा है उसमें 5 ही एक्सटर्नल पावर दिए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अच्छा इंसुलेटर नहीं हुआ, ये इसका तुरंत ब्रेकडाउन हुआ और ये कंडक्टर बन गया, परंतु यहाँ पे हम लोग 10 इलेक्ट्रिक पावर दिए हैं, उसके बाद फिर एक्सटर्नल पावर दिए हैं, फिर उसके बाद ये इंसुलेटर कंडक्टर में बदला। तो ये दोनों में बेटर इंसुलेटर कौन हुआ, ऑफ कोर्स ये वाला। तो नोट कर लेंगे आप लोग कि इंसुलेटर हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अ गुड इंसुलेटर, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा इंसुलेटर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें देखते हैं इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो हमने अभी तक पढ़ा था रबिंग कंडक्शन, अब इंडक्शन क्या होता है। तो इंडक्शन मीन्स होता है कि जैसे कोई ये बॉडी है, तो कंडक्शन में हम लोग किसी अनचार्ज बॉडी में, जैसे ये जीरो चार्ज है, तो किसी अनचार्ज बॉडी में हम लोग कोई चार्ज बॉडी रहता था तो उसको ऐसे लाके टच करते थे, उसके बाद ये एक दूसरे में चार्ज ट्रांसफर करता था। मगर कंडक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे एक बॉडी है, ये मान के चलिए नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये केवल नेगेटिव चार्ज है, और एक दूसरा बॉडी है, ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, मतलब कि ये जीरो चार्ज है, तो इसको इसके नजदीक लेके आए, ठीक है, फिर अगर इसको नजदीक लेके आए तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका कि जितना पॉजिटिव चार्ज है वो सब एक तरफ अरेंज हो जाएगा और जितना नेगेटिव चार्ज है वो एक तरफ अरेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेम चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये नेगेटिव है और ये जीरो चार्ज था, नजदीक लाए जीरो चार्ज बॉडी को, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले चार्ज को रिपल करेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा, वो उधर चला जाएगा,
दूसरे सेकेंड वाली बॉडी में, और जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो गया, रीअरेंज हो गया, जो जैसे कि इसमें सारा में डिस्ट्रीब्यूट था ये चार्ज, तो अब ये रीअरेंज हो गया, तो ये जो ऐसा रीअरेंजमेंट हुआ कि पॉजिटिव एक तरफ सारा और नेगेटिव एक तरफ, तो इसको हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। फिर जैसे ही अलग हो गया तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी तार जोड़ेंगे ऐसे करके, मान के चलिए इसको धरती से, ये अर्थ है, इसको हम लोग इधर से तार जोड़े और ऐसे करके धरती में कनेक्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, सारा चार्ज यहाँ से नेगेटिव निकलेगा और अर्थ में चला जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। इससे क्या हम लोग कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग को जब नेगेटिव चार्ज करना रहेगा किसी बॉडी को, इसको हम लोग सारा को पॉजिटिव, एक पॉजिटिव बॉडी लाएंगे, फिर क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा सारा और पॉजिटिव उधर, और फिर धरती से कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज धरती में चला जाएगा, नेगेटिव बच जाएगा। इस प्रकार हम लोग इंडक्शन के थ्रू किसी बॉडी को भी चार्ज करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन अ चार्ज बॉडी ब्रॉट अप टू अ जीरो चार्ज बॉडी देन इट गेट्स पोलराइज्ड। अभी आपको बताया पोलराइज्ड मतलब क्या होता है, कि जो भी चार्ज है नेगेटिव एंड पॉजिटिव उसका रीअरेंजमेंट, एक साइड सारा पॉजिटिव एक साइड सारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इसे हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। दिस फेनोमेना इज नॉन एज इंडक्शन। When a charged body brought to a zero charged body, then it gets polarized. This phenomena is known as induction. फिर यहाँ पे देखते हैं इसका फोटो। ये एक बॉडी है। Plus minus. Plus minus. ये आपका जीरो चार्ज बॉडी है, इसको हम लोग बोल सकते हैं अनचार्ज और फिर एक बॉडी है यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी है ये। अब हम लोग इस केस में क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम लोग इसके, ये जो बॉडी है इसके नजदीक लाते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है वो आपका एक साइड हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसको पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, ये ठीक उसी प्रकार हो रहा है जैसे कि कोई भी क्लास में लड़के लड़कियां होते हैं तो दूसरे क्लास की लड़कियां आती है तो अक्सर बॉयज क्या करते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि लड़कों को अपने क्लास की लड़कियां नहीं पसंद आती है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया ये इसके इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, और ये जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को रिपल करेगा और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक तरफ से रीअरेंज हो गया, जैसे ये जो रीअरेंजमेंट हुआ चार्ज का और सारा दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो गया, तो इसी को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं, मतलब क्या ये पोलराइज्ड हो गया। आफ्टर इंडक्शन इसके बाद एक नोट कर लेंगे, इन पोलराइजेशन एक्ट एक्ट चार्जेस आर
रीअरेंज्ड, चार्जेस आर क्या रीअरेंज्ड एंड बॉडी इज जीरो चार्ज अनचार्ज्ड। जैसे कि यहाँ पे जो चार्ज है वो रीअरेंज्ड हुआ है, ये जैसे कि ये जो एक्ट हुआ इसे हमने पोलराइजेशन बोले, और ये पोलराइजेशन एक्ट में जो चार्जेस है वो रीअरेंज्ड है एंड बॉडी इज जीरो चार्ज। यहाँ पे तो बॉडी जीरो चार्ज है, क्या है कि जितना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस है उतना ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, फिर दैट इज रीअरेंज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज थ्रू इंडक्शन बाय एनी चार्ज बॉडी इज कॉल्ड पोलराइजेशन। जैसे कि रीअरेंज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज थ्रू इंडक्शन बाय एनी चार्ज बॉडी इज कॉल्ड पोलराइजेशन। रीअरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज थ्रू इंडक्शन बाय एनी चार्ज बॉडी इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। मतलब कि किसी मेटल स्फीयर को हम लोग पॉजिटिव चार्ज करना है अभी ना टच किए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड हम लोग क्या करते थे, किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के नज़दीक लेके आते थे तो पोलराइजेशन होता था जिसके थ्रू बॉडी को चार्ज किया जा सकता था। तो इसी का हम लोग उपयोग करेंगे उसे चार्ज करने के लिए। तो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग, वी कैन चार्ज मेटल स्फीयर बाय इंडक्शन मेथड। वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। ओके, दिस स्टेप्स। तो स्टेप वन क्या है आपका, स्टेप वन है आपका, वी विल ब्रिंग अ नेगेटिव चार्ज बॉडी टू नियर टू स्फीयर। ओके, तो जैसे कि आपके पास ये स्फीयर है, प्लस माइनस फिर हम लोग ले आएंगे तो ये आपका मेटालिक स्फीयर है, इसमें अभी कितना चार्ज है, जीरो चार्ज है। ठीक है, फिर इसके बाद एक हम लोग नेगेटिव बॉडी लेते हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी, और उसको इस स्फीयर के नज़दीक ले आते हैं। स्फीयर के नज़दीक ले गया है, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो हम जैसे ही स्फीयर के पास लेके आएंगे तो इसमें क्या होगा, पोलराइजेशन होगा कि सारा पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ जाएगा, सारा नेगेटिव चार्ज एक साइड चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि सारा पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ जाएगा और सारा नेगेटिव चार्ज एक साइड चला जाएगा। फिर ये जो फिनोमेना हुआ इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। गया, यहाँ पे चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है आपका। ओके, जब नज़दीक लाए तो इसका पोलराइजेशन हुआ। फिर इसके बाद अगला स्टेप हम लोग देखते हैं कि इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा।
तो स्टेप टू, स्टेप टू क्या होगा, वी विल कनेक्ट अ वायर विथ नेगेटिव साइड ऑफ द स्फीयर विथ अर्थ. We will connect a wire with negative side of the sphere and with earth. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये आपका negative charge body था, ये आपका sphere था, ये आपका स्फीयर था. तो अब ये क्या है, पोलराइज्ड है, ये ओके. इसमें क्या बोल रहे हैं सेकेंड स्टेप में, यहां पे हम लोग एक वायर लाएंगे, वायर है ये, आइए ये अर्थ है. तो जैसे ही ये इसे हम लोग वायर से कनेक्ट करेंगे तो धरती जो है वो क्या करेगा, सारा नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा अपने में. तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, बाहर निकल गया, यहाँ सारा नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया और अर्थ में चला गया. ओके, अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज. तो स्टेप थर्ड में देखेंगे, नाउ वी कट द वायर एंड वी गेट अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. हम लोग वायर को क्या करते हैं, कट कर देते हैं, सारा हम लोग पास पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मिलता है. पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, अब हम लोग पास पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है. इस प्रकार हमने जाना कि कैसे हम लोग किसी भी बॉडी जो होता है उसे हम लोग बाय इंडक्शन मेथड कैसे हम लोग उसे चार्ज करते हैं. क्वेश्चन था कि विदाउट टचिंग, अगर टचिंग होता तो हम लोग कंडक्शन मेथड यूज़ करते हैं. आज के लिए इतना ही गाइस, एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को.